तो हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मारुति स्विफ्ट ZXi। ये सेकेंड टॉप मॉडल है। अगर जो मारुति स्विफ्ट की बात करते हैं तो मोस्ट पॉपुलर हैचबैक में एक आती है दोस्तों। ये प्राइस की बात करते हैं तो 585,000 से स्टार्टिंग है टॉप मॉडल की कीमत। आपको 867,000 इसकी टॉप मॉडल की कीमत पड़ जाती है। टोटल इसमें 4 वेरियंट आते हैं, LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस। हम आपको दिखा रहे हैं इसका सेकेंड टॉप मॉडल ZXi। ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फीचर्स इसमें ऑफर किए गए हैं। आज इसके बारे में आल डिटेल रिव्यू हम आपको देंगे दोस्तों। अगर जो फ्रंट लुक की बात करते हैं, फ्रंट में आपको हैलोजन सेटअप मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट दी गई है, यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। यहीं नीचे की बात करते हैं तो फॉग लैंप मिल जाता है दोस्तों, ट्विन हुक दी गई है आपको। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 160 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। यहीं ग्रिल की बात करते हैं तो देख सकते हैं ग्रिल की डिज़ाइन काफ़ी क्लासिक लुक देती है। यहाँ पे आपको जो क्रोम गार्निश का यूज किया गया है गाड़ी की लुक को बढ़ा देता है। यहाँ पे आपको बीच में सुजुकी का लोगो दिया गया है, देख सकते हैं इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, देख सकते हैं इसका साइड प्रोफाइल दोस्तों। यहीं टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो 185/65R15 के आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं। सिल्वर फिनिश के साथ आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं। आपको आगे डिस्क मिल जाता है, पीछे आपको ड्रम मिल जाते हैं। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। ओआरवीएम्स की बात करते हैं तो बॉडी कलर ओआरवीएम्स दिए गए हैं विथ टर्न इंडिकेटर के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल है। अब बात करते हैं डोर हैंडल्स की, तो आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए हैं रिवर्स सेंसर के साथ। रियर डोर की बात करते हैं तो सी पिलर के साथ आपको डोर हैंडल्स यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो देख सकते हैं इसका रियर प्रोफाइल काफ़ी एग्रेसिव और क्लासिक लुक देती है इसका रियर प्रोफाइल। बात करते हैं टेल लैम्प की, तो देख सकते हैं इसके आपको LED टेल लैम्प मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी स्टाइलिश दिया गया है। ये जो फिनिश का यूज किया गया है गाड़ी की लुक को बढ़ा देता है। रिवर्स में आपको 4-point पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। बीच में सुजुकी का लोगो दिया गया है, यहाँ पर आपको स्विफ्ट लिखा हुआ। वाइपर्स आपको मिल जाते हैं, डिफोगर भी मिल जाते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। पावर एंटीना आपको दी गई हैं दोस्तों, देख सकते हैं इसका ओवरऑल रियर व्यू दोस्तों। की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का इसमें आपको की मिल जाते हैं, जिसमें आपको बीच में सुजुकी का लोगो दिया गया है। कुछ इस तरह का इसमें आपको मैट फिनिश की मिल जाती है, जो कि हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है, जिसमें आपको लॉक और अनलॉक करने का बटन्स दिए गए हैं। आपको काफ़ी सारे फीचर्स की से रिलेटेड मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर दोस्तों, जो कि क्लासिक और एग्रेसिव लुक देता है। इंटीरियर में डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश के साथ आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ओआरवीएम्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। चारों पावर विंडो का ऑप्शन दिया गया है। चाइल्ड मिरर लॉक दी गई है। लॉक और अनलॉक करने के बटन्स आपको यहीं पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश का यूज किया गया है। यहीं नीचे की बात करते हैं तो वोटर होल्डर और पेपर होल्डर आपको दिया गया है। टोटल आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ट्विटर्स दिया गया है। इंटीरियर में सीट की बात करते हैं तो फैब्रिक की सीट आपको मिल जाती हैं, जिसे आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं गाड़ी के साथ साथ एसेसरीज भी लगाई गई हैं। ये एसेसरीज के तौर पे सीट कवर लगाया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक खोलने का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों यहीं स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको पोस्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिए गए हैं। हेडलैम्प के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। आपको आइडल पोजीशन वाली बटन्स आपको दी गई हैं, जिससे मान लीजिए आप ट्रैफिक में खड़े हैं, आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपकी गाड़ी कुछ सेकंडों में आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। क्लच प्रेस करने के बाद गाड़ी रिस्टार्ट हो जाती है। जो फील आप कह सकते हैं इसके सिंपली सा फ्यूल सेविंग मोड है आपको दिया गया है। अब बात करते हैं इसका इंटीरियर, तो कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है दोस्तों। MID की बात करते हैं तो आपको डिजिटल MID मिल जाती है। यहाँ पे आपको छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पे आपको डिजिटल क्लॉक का ऑप्शन दिया गया है। टेकोमीटर और स्पीडोमीटर आपको दिए गए हैं। यहाँ से आप ट्रिप A ट्रिप B आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको गाड़ी की माइलेज, फ्यूल इकोनॉमी आप यहाँ से देखना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहीं स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो लेदर रैप आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाते हैं। डी कट स्टीयरिंग व्हील दिए गए हैं आपको। बीच में सुजुकी का लोगो, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश का जो यूज किया गया है स्टीयरिंग की बहुत ही एग्रेसिव लुक देता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सिल्वर फिनिश के यूज किए गए हैं। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, मोड्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आपको फ़ोन उठाने के, काटने के, वॉइस कमांड के ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं।
आप यहाँ से हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको इंडिकेटर्स के मोड्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है दोस्तों, देख सकते हैं आप। इंटीरियर में सनवाइजर की बात करते हैं तो आपको टिकट होल्डर दिया गया है। पैसेंजर साइड सनवाइजर की बात करते हैं तो आपको वेंटिलेटेड मिरर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हाइलोजन लाइट दी गई है, यहाँ पे आपको माइक दिया गया है। IRBM की बात करते हैं तो मैनुअली एडजस्टेबल IRBM आपको दिए गए हैं। अगर जो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो इंटीरियर में दोस्तों आपको 4 पॉइंट AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। यही सेंटर कंसोल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं। 1000 लाइट ऑन करने का ऑप्शन दिया गया है। यही नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो क्रोम की लाइनिंग यूज की गई है ये स्टीरियो की लुक को बढ़ा देता है दोस्तों। यही इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो एंड्रॉयड ऑटो प्ले और एप्पल कारप्ले का फीचर्स आपको मिल जाते हैं और काफ़ी सारे मोड्स आपको दिए गए हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से आप फैन रुकार बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। अगर डिफोगर की जो है यहाँ से डैशबोर्ड की आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको छोटी सी डिस्प्ले दी गई है, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। से आप AC ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो करने का बटन दिया गया है, ऑटो कर देंगे जितनी आपकी गाड़ी में टेम्परेचर सेट रहेगा उसी के हिसाब से गाड़ी ठंड या गर्म हवा देती है। यही नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वाट की चार्जिंग सॉकेट दी गई है, USB पोर्ट और उसका ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टोरेज दिए गए हैं। सेंटर कंसोल में 2 का फोल्डर्स आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं गियर नॉब की, तो आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिल जाता है। आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन दिया गया है। यहीं नीचे आपको सिल्वर स्प्रिंग्स का यूज किए गए हैं जो कि बेहद खूबसूरत लगता है। अगर जो गियर बॉक्स की बात करते हैं आप, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक दिया गया है, क्रोम इंसर्ट के साथ आपको हैंड ब्रेक मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट आपको नहीं दिया गया है, यहाँ स्टोरेज दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो आपको काफ़ी स्पेशियस आपको ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर स्प्रिंग्स का जो यूज किया गया है इंटीरियर की लुक को बहुत ही बेहद खूबसूरती से बढ़ा देता है। हाँ दोस्तों, अगर जो आपको VXI, अगर जो दोस्तों आप ZXI और VXI में कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर के बारे में, तो आपको सेंटर लॉकिंग, EBD, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, ऑन ऑफ 2 एयरबैग्स, स्पीड अलर्ट, लो फियर वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, आपको सारा कुछ मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स आपको दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके रियर स्पेस में, रियर स्पेस में कितने स्पेस आपको ऑफर किए गए हैं। रियर स्पेस की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको सी फिलर के साथ आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जिसे आप यहाँ से खोल सकते हैं। रियर स्पेस में रियर डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिरर अप डाउन करने का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप डोर को ऑपरेट कर सकते हैं। रियर में भी आपको बोटल होल्डर दिया गया है, स्पीकर आपको दिए गए हैं, क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं। अब दे चलते हैं आपको इसका रियर स्पेस दिखा देते हैं। तो दोस्तों रियर में रियर स्पेस की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रियर स्पेस मिल जाता है दोस्तों। लेग रूम और हेड रूम आप भी आपको काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, देख सकते हैं काफ़ी कितना डिस्टेंस आपको दिया गया है। टोटल आपको चारों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं जो हेडरेस्ट हैं आपको चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। रियर में दोस्तों कोई भी रूम लाइट नहीं दी गई थी, एक चीज़ की यही कमी थी, रूम लाइट दे देना चाहिए था। यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल्स आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं इसका रियर से दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल कितना एग्रेसिव और क्लासिक लुक दे रहे हैं इसका इंटीरियर। अब आपको दिखा देते हैं इसका बूट स्पेस। तो दोस्तों बूट स्पेस खोलने करने के लिए यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का इसका बूट स्पेस खुल जाता है, बूट डोर। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन दिया गया है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिए गए हैं। बात करते हैं बूट स्पेस की, तो आपको पार्सल ट्रे दिया गया है, आपको 268 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको बॉडी कवर आपको दिया गया है, गाड़ी के साथ साथ टूल किट्स भी दी गई है। बात करते हैं इसके स्पेयर टायर की, बाकी चारों टायरों से आपको 1 इंच स्टील रिम कम मिल जाते हैं। बूट में आपको हाइलोजन लाइट दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। अब आपको दिखा देते हैं इसका इंजन, आपको कौन सा इंजन इसमें ऑफर किया गया है। बोनट खोलने के लिए आप यहां से कुछ इस तरह का इसका बोनट खोलता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों इसका इंजन, ये BX6 इंजन है। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं जो कि 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। यही पावर की बात करते हैं तो 88 BHP की पावर 113 NM का टॉर्क निकालता है। यही माइलेज की बात करें तो कंपनी
23 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो दोस्तों ये थे गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर जो हाँ दोस्तों आप चाहते हैं ZXi और VXi में हम कंपैरिजन वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।